अस्सलाम वालेकुम माय किचन माय लाइफ, आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, शाद और आबाद रखे। आज मैं बना रही हूँ फ्राई टोस्ट। फ्राई टोस्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक कप मैंने दूध लिया, चार मैंने ब्रेड लिया, इसको मैंने आधा आधा इसका पीस कर लिया, आधा कप मैंने लिए चीनी, दो मैंने लिए अंडे। सबसे पहले दूध डालूँगी, दूध के साथ ही डालूंगी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीनी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके साथ ही डालेंगे दो अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो अंडे मैंने डाल दिए। आप इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। बर्तन थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसमें बड़ा बोल लेंगे, बड़े बोल में इसको डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। अब मैंने ऊपर, आप इसमें हल्का सा डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑयल। दूध, चीनी, अंडा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसको ऐसे बर्तन लगाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छी तरह करेंगे फ्राई। हमारे बहुत मज़ेदार तैयार हो चुके हैं, आप घर में ज़रूर बनाएं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। टोस्ट और साथ चाय मैं बना रही हूँ, सात बच्चों के लिए चाय। मैंने ऊपर दूध चढ़ा दिया है। अब इसमें डालेंगे चीनी पत्ती, अच्छी तरह इसको उबाल देंगे। फ्राई टोस्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।